प्यार भरा नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आप सभी को जय राधे जय कृष्णा, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो के जरिए और नए स्टूडेंट के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार कैसे चलाते हैं और कार चलाते समय सिग्नल जो इंडिकेटर होता है उसको कब और किस वक्त और कैसे देना होता है और हॉर्न कब देना होता है। जैसे कई लोग होते हैं आउट ऑफ कंट्री बाहर एरिया में, जब भी कई लोग हॉर्न में आते हैं तो उसमें चलान भी कट जाता है, बड़ा वाहन होता है तो उसमें चलान भी कट जाता है। तो हॉर्न बहुत ही कम बजाना होता है और स्लो हॉर्न बजाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कब हॉर्न बजाते हैं, कैसे बजाते हैं और हॉर्न बजाते समय किस पोजीशन में आपको स्टेयरिंग पकड़ रखना है, कैसे स्टेयरिंग पकड़ रखना है और हॉर्न कैसे बजाना है और सिग्नल कैसे देना है, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट के साथ में, जो कि अभी मेरे साथ में भैया हैं, ये अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं मेरे से। पहले मैं इनसे जान लेता हूँ इनका कौन सा डे है और ये कहाँ से ड्राइविंग सीखने आते हैं और आज इनका कैसा कॉन्फिडेंस है, कैसा कंट्रोल इनका, ये चीज़ मैं इनसे जान लेता हूँ। हेलो भैया, नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? कहाँ से आप ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? चिन्हट से। गुड, ठीक है। आज आपका कौन सा डे है? आज चौथा दिन। गुड, बहुत बढ़िया। कैसा कंट्रोल आपको लग रहा है, कैसा आपका लग रहा है अभी सीख रहे? बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अभी आप कौन सी कार चला रहे हो? अभी हम अल्टो चला रहे हैं। गुड, अल्टो कार अभी आप चला रहे हो। अभी आपको कौन कौन सा गियर बताया गया है चार दिन में? हमको फर्स्ट और सेकेंड गियर बताया गया है। गुड, ये इसकी ब्रेकर यहाँ पे है, यहाँ पे हल्का सा क्लच ले लो, हल्का सा क्लच ले लो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ दो, निकालो हल्का हल्का, छोड़ो क्लच। आपने एकदम से एक्सेलेटर दबा दिया, पहले क्लच छोड़ते हैं फिर एक्सेलेटर दबाते हैं और क्लच पे पैर कंटिन्यू रखे रहा करो, बढ़ाइए हल्का हल्का स्पीड। गुड, और आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ में फोर डेज में भैया जी चला रहे हैं कार, कितना अच्छा चला रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कार चला रहे हैं। बाकी डिपेंड इन्हीं पे करता है कि ये कितनी जल्दी और कितनी जल्दी कितने दिनों में ये सीख जाएंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कैसे सिग्नल देते हैं, कैसे हॉर्न देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप प्लीज़ ये वीडियो देखें और वीडियो को लाइक किया करें, जैसे कि आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं, जैसे आप सारी वीडियो पे आप अपना प्यार मेरी वीडियो पे बना के रखें, वैसे आप मेरी हर एक वीडियो को प्यार बना रखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर एक वीडियो और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप मेरी वीडियो देख करके आप आसानी तरीके से अपनी कार चला सकें, आपको चलाने में कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अब आप आगे का कैसे चलाना होता है, कैसे हॉर्न देना होता है, कैसे सिग्नल देना होता है। यहाँ से राइट जाना आपको, राइट का सिग्नल दीजिए पहले नीचे, आप नीचे करिए, दे दिए ना। गुड, घुमाइए हल्का का स्टीयरिंग, घुमाइए, गुड, और घुमाइए, इस कार से पहले निकलना है, ठीक है। गुड, हॉर्न बस, अब हॉर्न नहीं देना है, सिग्नल अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। सीधे जाना है, सीधे स्ट्रेट, ये सीधा हो गया, चलिए बढ़िए। और जब भी आपको हॉर्न देना होता है, सीधा करो भैया, जब भी आपको हॉर्न देना होता है तो आपको राइट हैंड से ही हॉर्न देना होता है, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करते हैं हॉर्न पे, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड होता है वो आपका सिर्फ गियर चेंज करना होता है, ठीक है। बढ़ते जाइए भैया स्पीड हल्का का, बड़ा स्पीड हल्का का, आगे से आपको फिर लेफ्ट टर्न करना होगा, वहाँ पे पहले आपको सिग्नल देना होगा लेफ्ट के लिए, ऊपर सिग्नल करना होता है लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड से, ठीक है। सिग्नल दीजिए भैया पहले तो आप लेफ्ट ऊपर, हाँ गुड, ठीक है। और आपको अगर वहाँ पे हॉर्न भी देना होगा टर्निंग पे, तो आपको राइट हैंड से ही हॉर्न देना होगा, ठीक है। दीजिए हॉर्न, दीजिए पहले तो आप राइट हैंड से, मैंने बोला आपको भैया, ब्रेक पैर रख के आइए धीरे से, लेफ्ट घुमाइए हल्का का, घुमाइए हल्का का, स्टीयरिंग घुमाइए, घुमाइए, बस सीधा करिए वापस, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, बहुत लेट कर दिया भाई आपने, आप घबराते बहुत हो, चलिए गुड, बढ़िया हल्का हल्का स्पीड, एक ही साइड में रखा करो दोस्त यार आप,
गुड, सही पोजीशन में स्टेरिंग पकड़िए भैया, बराबर में पकड़िए स्टेरिंग, गुड। आप स्टेरिंग घुमा क्यों रहे हो? आपको मैं बता रहा हूँ बराबर में पकड़ने के लिए, गुड। सीधे स्ट्रेट जाना आपको, राइट रखो भी हल्का सा, गट जाते रहो सीधे स्ट्रेट, गुड। हॉर्न दिया, किस हॉर्न के साथ से हॉर्न बजाया भैया आपने? राइट हैंड से हॉर्न बजाया करो भैया, राइट रखो हल्का सा स्टेरिंग, सीधा करो वापस चलते जाओ, गुड। राइट साइड कर लेंगे गाड़ी? हाँ राइट साइड ले लीजिए, मिरर में देखते हुए, राइट मिरर में देखते हुए राइट ले लीजिए धीरे से। अरे आपने भगाया क्यों? सीधा करिए धीरे से, सीधा करो स्टेरिंग चलते जाओ, गुड। राइट रखो हल्का सा, गुड। आगे से लेफ्ट का सिग्नल दो भैया, गुड। मिरर में देखते हैं भैया, ठीक है, मैल करता हूँ, सीधा करिए, बड़ा स्पीड लगता है, बड़ा स्पीड, और आपको इस राइट में रखना है, यहीं पे आपको रखना कार, हटानी नहीं कार, आगे कार खड़ी है, आपको हल्का सा लेफ्ट ले लेना, बाकी आपको सीधे चलते जाना है, ठीक है, सीधा करो वापस चलते जाओ, हल्का राइट टर्न करो, हल्का का राइट साइड जाओ, हल्का का और राइट जाओ, हल्का सा मसीधा करो वापस, बड़ा स्पीड हल्का का सीधा करो यार, गुड, बड़ा ही हल्का का, आगे से लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, आइए हल्का का लेफ्ट, बड़ा हल्का का स्पीड, राइट ले लें? हाँ बिल्कुल राइट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शीशे में देख करके जाइए, हल्का का राइट, सीधा करो सीधा करो सीधा करो, गुड, चलते जाओ स्ट्रेट, सीधे स्ट्रेट, स्टेरिंग बहुत ढीला पकड़ते हैं, चलते जाइए स्ट्रेट, जाते रहो, गुड, बहुत बढ़िया। आगे सामने वाली जो कार आती है उसकी स्पीड देख के फिर अपनी स्पीड निकालते हैं, अगर वो स्लो हो तो आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, गुड, सीधे स्ट्रेट,
आते हैं सीधे सीधे स्ट्रीट जाते रहिए। इस कार के बगल में आगे से आपको लेफ्ट घुमाना है, 100 मीटर अभी है रास्ता, तो आप सिग्नल दे दो पहले, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। हाँ लेफ्ट दीजिए सिग्नल, गुड ठीक है। लेफ्ट इधर है जहाँ पे साइकिल है खड़ी है, वहाँ से आपको लेफ्ट घुमाना है। डॉक्टर संगीता भाटिया होम्योपैथी लिखा है वही साहब। ब्रेक पैर रखो पहले तो आप, बस ब्रेक पैर रखे रहना, घुमाइए लगता दबाइए नहीं ज़्यादा, ब्रेक पैर रखना है, दबाइए नहीं, पैर चेंज करिए, सीधा करो स्टीयरिंग। थोड़ा ज़्यादा सा एक्सीलेटर ले लिया, कम लेना चाहिए आपको एक्सीलेटर, चलते सीधे स्ट्रेट। सिग्नल अपने आप बंद हो जा रहा ना, तब ठीक है गुड। सिग्नल अपने आप ही बंद जाता, उसको सिर्फ ऑन करना पड़ता, ऑफ अपने आप हो जाता है।